नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। देश और बिहार में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आइए आखिर हम जानते हैं वो कौन से ऐसे कारण हैं दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल के रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 12 दिनों में तेल के दाम में प्रतिदिन इजाफा किया है। आज यानी कि 20 फरवरी 2021 को राजधानी पटना सहित गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 37 पैसा और डीजल की कीमत 38 पैसा महंगा हो गया है। पटना में शनिवार यानी कि 20 फरवरी को पेट्रोल की कीमत 92.91 रुपये और डीजल की कीमत 86.22 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़े हैं। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल की वेबसाइट की माने तो 20 फरवरी को पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत जो है 94.08 रुपये और डीजल की कीमत जो है 87.29 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो पेट्रोल का भाव जो है 93.47 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट जो है 86.71 प्रति लीटर पहुँच गया है। गया की अगर हम बात करें तो यह पेट्रोल की कीमत 93.59 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया। वहीं डीजल की बात करें तो 86.85 प्रति रुपये लीटर पहुंच गया है। इसके अलावा अगर हम भागलपुर की बात करें तो यहाँ 94.18 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिला और डीजल की बात करें तो 87.39 रुपये प्रति लीटर के दाम से ये बढ़ा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भारतीय बाजार की तुलना में नेपाल में जो है डीजल और पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत जो है 18 रुपये कम रहने की बात कही गई है। नेपाल और बिहार के सटे हुए जिले अररिया से लगने वाले नेपाल के सीमाई इलाकों में तस्करों की ओर से पेट्रोल और डीजल की तस्करी भी बढ़ गई है, जो कि मीडिया की सुर्खियों में लगातार बनती आ रही है। बल्कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले भारतीय बाइक सवार नेपाल पहुंचकर खाली बाइक में टंकी फुल कराकर पेट्रोल लेकर वो प्रतिदिन भारत में आ रहे हैं। नेपाल के विभिन्न रास्तों से भारतीय सीमा में प्रवेश करने में आसानी देखी जा रही है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम पटनावासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो पहिया गाड़ी चलाने वाले मध्यम वर्ग लोगों को जो है सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं व्यावसायिक गाड़ियों के संचालन और ट्रक ऑपरेटरों को पेट्रोल और डीजल के बढ़ती कीमतों से उनका जो है बजट गड़बड़ा गया है। साल 2021 में अब तक का 22 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ चुकी है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल की कीमत को लेकर कहा है कि अफसोसजनक मुद्दा है और कीमतों के कमी के अलावा कोई भी जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य दोनों को उपभोक्ताओं के लिए उचित स्तर पर खुदरा ईंधन मूल्य में कमी लाने की बात करनी चाहिए। चेन्नई में निर्मला सीतारमण ने कहा कि ओपेक देशों के उत्पादन का जो अनुमान लगाया गया था वह भी नीचे आने की संभावना है, जो फिर से चिंता बढ़ा सकती है। तेल के दाम पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, इसे तकनीकी तौर पर मुक्त कर दिया गया है। तेल कंपनियां कच्चा तेल आयात करती है, रिफाइन करती है और बेचती है। अगर हम पिछले 10 दिनों में का देखें हिसाब की किस तरह से जो है कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो अगर हम बात करें 9 फरवरी की, जब सबसे पहले जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, तो 9 फरवरी को जो है पेट्रोल की कीमत जो थी 89.74 रुपया था और उस दिन जो कीमत बढ़ी थी वो 34 पैसे बढ़ी थी। और वही अगर हम डीजल की बात करें तो उस दिन 82.66 पैसा जो है उस दिन डीजल का दाम बढ़ा था और उस दिन जो बढ़ोतरी हुई थी वो मात्र 35 पैसे उस दिन बढ़ोतरी हुई थी। वही अगर हम 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को जो पेट्रोल की कीमत है वो 90.55 पैसे थी और वहीं अगर हम उस दिन बढ़ोतरी की बात करें तो 28 पैसे पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ोतरी हुई थी और अगर हम डीजल की बात करें तो 83.58 पैसे डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई और वहीं अगर हम उस दिन डीजल की कीमत की वृद्धि की बात करें तो 36 पैसा जो है उस दिन वृद्धि हुई थी। वहीं अगर हम 15 फरवरी की बात करें तो 91.38 रुपया जो है पेट्रोल के डीजल का दाम था। अगर उस दिन बढ़ोतरी की बात करें तो 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। डीजल की बात करें तो 84.27 पैसा जो है डीजल के दाम में वृद्धि हुई और अगर उस दिन वृद्धि की बात करें तो 32 पैसे की जो है वृद्धि हुई। अगर हम बात 18 तारीख की करें यानी कि परसों की करें तो 92.24 रुपया जो था वो पेट्रोल का कीमत था, उस दिन 33 पैसा जो है उस दिन वृद्धि की गई थी और अगर हम डीजल की बात करें तो 85.50 रुपया जो है डीजल का दाम था, वहीं अगर हम वृद्धि की बात करें तो 32 पैसे की उस दिन वृद्धि हुई थी। वहीं अगर हम देश की बात करें तो शनिवार को यानी कि आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत जो है 39 पैसे
की वृद्धि हुई, और अगर हम लीटर में इसकी बात करें तो 90.58 रुपये की लीटर में वृद्धि हुई। डीजल की बात करें तो 37 पैसे के उछाल के साथ 80.97 प्रति रुपये लीटर पहुँच गया। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत जो है 101.22 पर नॉट आउट, यानी कि लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में जो है अब डीजल की कीमत जो है 40 पैसे मात्र शतक से दूर है। हालांकि वहीं भोपाल से सटे एक इलाका है, अनूपपुर का जिला है, यहां पे समान पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपया का आंकड़ा पार कर चुका है, और वर्तमान में जो यहां कीमत है 100.98 पैसे यहां की कीमत है। ऐसे में अब आम जनता को केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ निगाह है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गैस के सिलेंडरों में भी 50 रुपये की वृद्धि हुई है। ऐसे में लगता है कि पेट्रोल डीजल और गैस की वृद्धि के बाद अब आम जनता को ये लगने लगा कि ये कब कम होगा और आम लोगों की महंगाई कम होगी। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।